दोस्तों यहाँ पता करते हैं, देखिए आपको जैक मिल जाएगा। ये भैया जैक कितने का पड़ेगा? कह रहे हैं आपको इतने बड़े बड़े हथौड़े मिल जा रहे हैं। ये लोहे, ये देखिए, ये आपको ये लोहे के हथौड़े मिल रहे हैं, ठीक है। ये पता करते हैं क्या प्राइसेज होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ये देखिए, रिपीट लगाने वाली ना, ये देखिए, ये मशीन मिल जाएगी रिपीट लगाने वाली। क्या प्राइस होने वाला इसका? भाई ये पुराना ड्रिल मशीन है, देखिए आपको मिलने वाला है यहाँ पे। अच्छा क्या प्राइस होने वाला है ये? देखिए आपको ये चूड़ी बनाने का है, ठीक है। ये चूड़ी बनाते हैं, ये आपको मिलने वाला है ऑटोमेटिक। कितने का ये? पाइप की डाई है भैया, देख रहे हैं, ये पाइप की डाई मिलेगी, ठीक है। अच्छा कितने का ये? दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अरुण सिंह, आप देख रहे हैं मेरे वीडियो चैनल अरुण सिंह बिजनेस। तो दोस्तों आज आपको फिर एक बार लेकर आ गया हूँ मीना बाजार टूल्स मार्केट में, जहाँ पर आपको टूल्स बड़े ही सस्ते दामों में मिलता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको जामा मस्जिद का पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सही। तो चलिए दोस्तों कवर करते हैं मीना बाजार टूल्स मार्केट को। देख रहे हैं ये आपको मीना बाजार मार्केट में, टूल्स मार्केट में आपको ऐसे आपको रेग मार्ग मिल जाएंगे। देखिए कंपनियों में जो रेग मार्ग है आपको लोहा हुआ घुसते हैं, जिसको जहाँ पे जंग लगा होता है वो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे रेग मार्ग मिल जाएंगे। देखिए थोक के भाव मिलते हैं, पुराने ही होते हैं ये आपको कंपनियों में। देखिए ये मोटा वाला भी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये मिल जाएगा, ये आपको लोहा घिसने वाला है यहाँ पे। तो ये देखिए पूरा का पूरा ये बंडल के बंडल रखे हुए हैं यहाँ पे। तो पता करते हैं क्या प्राइसेस होने वाला है इन रेग मार्गों का, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये ऐसे ऐसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए आपको लोहा घिसने का काम आता है, ये पता करते हैं क्या प्राइस होना। ये कितने रुपए का पड़ेगा ये किलो के साथ? अच्छा कितने रुपए किलो है ये? 300 रुपये। ये 300 रुपये के जी पड़ेगा ये कोई सा भी, ये सारे के सारे 300, ठीक है। ये 300 रुपये के जी पड़ेंगे। अच्छा ये रेगमार्क कितने का पड़ेगा? रेगमार्क जो है वाला नया जो है 250 रुपये किलो है, पुराना 100 रुपये। अच्छा अच्छा नया जो मिलेगा आपको 250 रुपये किलो मिलेगा, और जो पुराना है आपको, पुराना वाला कितना है? 100 रुपये किलो मिलेगा। ये आपको सारे कंपनियों में फैक्ट्रियों में लगते हैं भैया, ये बहुत ही बड़े बड़े आपको देख रहे हैं बंडल हैं यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो कोई सा भी आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए आपको ये आपको ग्लैंडर में लगता है, आपको ग्लैंडर में लगा के आप घिस सकते हैं कोई भी चीज़ें। तो ये देखिए आपको यहाँ पर मिलने वाला, ये आपको ग्लैंडर में लगाते हैं, छोटे बड़े ग्लैंडर में लगाते हैं, ये आपको किससे घिसा जाता है लोहा, ये आपको मिलना है। पुराना भी मिलता है यहाँ पर, नया भी मिलता है, ठीक है। ये प्राइसेस आपके पता करते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ये जो बड़े वाले आपको मिलेंगे ये 20 रुपये का पीस मिलेगा ये, ठीक है। और ये बड़े वाले आपको 40 रुपये के पीस मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। आप मीना बाजार टूल्स मार्केट में आके आप परचेजिंग कर सकते हैं। एक 250 रुपये का मिलेगा, ये लकड़ी कटर है दोस्तों, ये देख रहे हैं आपको, ये लकड़ी कटर है, ये 250 रुपये का एक मिलने वाला है, ठीक है। और भी हैं चीज़ें यहाँ पे पता करते हैं, ठीक है। ये रेग मार्ग है, ये तो आपको ये पुराने वाले 100 रुपये किलो ना, 100 रुपये किलो मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे, और ये छोटा वाली क्या चीज़ है? ये भी कटिंग है। ये कितने का है ये? आपको अगर चाहिए तो 8 रुपये का मिल जाएगा, 10 रुपये। अच्छा 8 रुपये और 10 रुपये का मिलने वाला। और ये वाला क्या चाहिए? ये अच्छा ये सामने वाला ही है, ठीक है। ये क्या प्राइस बताया था ये किलो का? हाँ अच्छा 300 रुपये किलो मिला था यह, तो ठीक है दोस्तों। ये रेगमार्ग यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पे। टूल्स मिल जाएंगे, ये आपको टूल्स पता करते हैं, देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्या प्राइसेस होने वाले हैं टूल्स के। भाई देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये पुराने और नए सारे टूल्स मिल जाएंगे, पुराने भी मिलते हैं नए भी मिलते हैं। भैया से पता करते हैं क्या प्राइसेस होने वाला है। यहाँ एलन की भी है ये, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको ये पुराने वाले सारे जो है टूल्स आपको ये 200 रुपये किलो मिलने वाला है। देखिए ऐसे आपको ये रिंच मिलने वाला है, ठीक है। इसे तोता रिंच बोलते हैं भैया, आपको 200 रुपये किलो मिलने वाला है। ऐसे ऐसे आपको पुराने वाले जितने भी ये पाना मिल जाएगा आपको 200 रुपये में किलो के हिसाब से मिलने वाला, जो भी लेना है यहाँ पर। ये जितने पुराने वाले हैं आपको ऐसे ऐसे आपको पाना जो लगाते हैं ये भी आपको 200 रुपये किलो में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये छोटा है, ये देखिए आपको मेरे ख्याल से कितना नंबर का होगा, दिखाई भी नहीं दे रहा है इसमें, पुराना है तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही ये रिंच और पाना वाला देखिए 11 और 16 नंबर है ये दे रखा है इसमें,
तो ये 200 रुपये किलो मिले। ऐसे ही ये छोटा वाला भी मिलने वाला है, ठीक है, इतना छोटा भी मिल जाएगा आपको 200 रुपये किलो में। ये भी मिलने वाला है आपको 200 रुपये किलो, किलो के हिसाब से मिलने वाला। ये ऐसे ये सुआ टाइप में देखिए, ये मिलने वाला है 200 रुपये किलो, ठीक है आपको, ठीक है। ये देखिए ये आपको मिलने वाला, ये पिलास है आपको, ये 200 रुपये किलो में है। ऐसे ऐसे पिलास मिलने वाला है 200 रुपये किलो में, ठीक है दोस्तों। ये पिलास है, ठीक है, ये 200 रुपये किलो मिलने वाला है। ये हथौड़ी देख रहे हैं, ये हथौड़ी सारे आपको मिलने वाले, लोहे वाले भी मिलने वाला है, और लकड़ी का जो हैंडल है वो वाला भी, ये 200 रुपये किलो में आने वाले हैं, सारे के सारे मिलने वाले हैं यहाँ पे। ये रेती भी देख लीजिए 200 रुपये किलो में, ये रेती है। ऐसे ऐसे आपको पिलास भी मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये बड़ा वाला पाना मिलने वाला है आपको, ठीक है। ये देखिए ये 24 नंबर का है, 24 वाला 200 रुपये किलो में आने वाला है। ये भी ये देखिए ये कितना नंबर है, ये 27 नंबर है, ये 27 नंबर है। ये देखिए ये वाला भी मिलने वाला है 200 रुपये किलो में मिलने वाला है। ये ऐसे ऐसे पेचकस है, ठीक है भाई। इसमें पीछे ये है, दोनों साइड से पेचकस है, ठीक है। ये देखिए ये भी 200 रुपये किलो में आने वाला है। ये पेचकस सारे मिलने वाले हैं आपको। ये देखिए ये वाला है, ये बिट वाला है आपको मिलने वाला है, बीट वाला पेचकस। और ये पाना वाला भी मिलने वाला है आपको 200 रुपये किलो में। ऐसे ऐसे पेचकस मिलने हैं। ये हथौड़ी भी मिलने वाला, केवल बिना बट वाला हथौड़ी मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपको ये पेचकस है आपको 200 रुपये किलो में मिलने वाला। बड़े से बड़े पाना मिलने वाले हैं यहाँ पर, देखिए आपको। ये देखिए यहाँ पर भी दिख रहे हैं ये आपको, ठीक है। बड़े बड़े हैं पाने, ऐसे ऐसे बड़े पाने मिलने वाले हैं, जो कि ट्रक और रक में काम आते हैं। ये आपको फैक्ट्रियों में काम आते हैं, ठीक है। ये देखिए ये तोता वाले भी मिलने वाले हैं यहाँ पे, पेच का पिलास है ये। ये 200 रुपये किलो मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एलन की मिल रहा है, छोटे से छोटे एलन की आपको, ये 5-5 रुपये मिलने वाला है यहाँ पे। अगर लेना चाहें तो 5-5 रुपये में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये ऐसे ऐसे मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। और भी पता करते हैं, यहाँ पर सेट मिल जाएगा एलन की का, ये 10 पीस का सेट मिलने वाला है। ये 100 रुपये का आपको सेट मिलना है, 10 पीस का एलन की का 100 रुपये का मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ पे ये पिलास मिल जाएगा। हाँ ये पिलास कितने का है? हाँ भैया ये 60 रुपये का आपको पिलास मिलने वाला है आपको, ठीक है। ये पिलास आप 60 रुपये का मिल जाएगा। और ये रिंच का सेट देखते हैं, पता करते हैं। इसमें होता है 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8। हाँ ये सेट कितना है रिंच वाला? ये 200 रुपये का, ये 200 रुपये का आपको सेट मिलने वाला है। 8 पीस का सेट है आपको, ठीक है। ये आपको मिलने वाला है यहाँ पे 200 रुपये का सेट मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। और पता करते हैं क्या क्या है मिलता है दोस्तों। यहाँ पता करते हैं, देखिए आपको जैक मिल जाएगा। ये भैया जैक कितने का पड़ेगा? ये 1000 रुपये का आपको जैक मिल रहा है ये, ठीक है आपको। ये वाला ये ट्रक रोक के काम आता है ना, ये ट्रक रोक के काम आता है। 1000 रुपये का आपको ये जैक मिलने वाला है। ये सारे जितने भी हैं ये ट्रक के काम आता है, ट्रक के पहिया वे खोलने के लिए, देख रहे हैं आपको। और ठीक है, अरे ये क्या चीज़ है ये वाला? फिर भी अच्छा अच्छा अच्छा, ये ट्रेन का चक्का क्या का है भैया? देखो भारी वाला है, कम से कम बहुत भारी है। ये कितने का होने वाला है ये? अच्छा 10,000 का पड़ेगा, ठीक है भैया। ये देखिए पूरा ट्रेन का चक्का इसे वो करते हैं, तो ये है आपको मिलने वाला। और ये जैक आपको 1000 रुपये का स्टार्टिंग है ये आपको। ये एलन की कितने का ये है? एलन की अच्छा 30 रुपये पीस है भैया, नया आपको 30 रुपये पीस मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और भी यहाँ पे हैं। और ये वाला पुराने वाला कैसे मिले? अच्छा 200 रुपये किलो मिलने वाला है ये भैया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं आपको इतने बड़े बड़े हथौड़े मिल जा रहे हैं। ये लोहे, ये देखिए ये आपको ये लोहे के हथौड़े मिल रहे हैं, ठीक है। ये पता करते हैं क्या प्राइसेज होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बिट भी मिलने वाला है ये आपको, ठीक है। ये ठीक है 150 रुपये किलो मिलने वाला है ये आपको। हथौड़े देख रहे हैं ये आप, 150 रुपये किलो मिलने वाला है आपको, ठीक है। और ये बिट भी आपको पता करते हैं बिट कितने रुपये का है ये, ठीक है। ये बिट है भाई, इसी बिट मिलने के आपको, बिट का प्राइस पता करते हैं। ये बिट कितने का? क्या क्या प्राइस शुरुआत हुआ? 8 से लेकर 16 तक की 30 रुपये। अच्छा 8 से लेकर 16 तक 30 रुपये पीस है, ठीक है। 8 से लेकर 16 तक भाई 30 रुपये पीस है। और कौन सा ये? अलग अलग रेट के
अच्छा, 20। वो यानी कि भैया शुरुआत से स्टार्टिंग है आपको, ये बिट्स मिलने वाला है 8 से 16 तक है, आपको 30 रुपये से स्टार्टिंग है। वैसे जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे ही इसकी प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे। ये बड़े बड़े पाने मिल जाएंगे, ये रिंच भी बड़े बड़े साइज़ वाले मिल जाएंगे। यहाँ पर ट्रक जिसे खोलते, ट्रक के जो वो पहिया वह खोला जाता है या जो इसके स्क्रू होते हैं उसको खोला जाता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पाने हैं और रिंच है भैया। ये फैक्ट्रियों में ज़्यादातर मोस्टली काम आते हैं, ठीक है, फैक्ट्रियों में और ट्रकों बसों के लिए होता है ये। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और देखते क्या क्या पता करते हैं क्या क्या प्राइसेस होने वाले हैं और क्या मिलता है यहाँ पर। ये भैया हैं, ये मीना बाज़ार में लगाते हैं, इनकी 7 दिन यहाँ पर लगाते हैं इस मीना बाज़ार मार्केट में, टूल्स मार्केट में। तो यहाँ पर पता करते हैं क्या क्या प्राइसेज होने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एलन की मिल जाए। अच्छा, ये कितने का एलन की है, छोटा वाला कितने का पड़ेगा? ये एलन की 5 रुपये का ये एलन की मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसे देखिए, ये बिट मिल जाएगा, ये बिट है ना, हाँ ये बिट है, हैमर बिट है। कितने का पड़ेगा ये? 30 रुपये। ये 30 रुपये का हैमर बिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये छोटे छोटे रिंच है, ये देखिए 10 नंबर, ये 10 नंबर बता रहा है रिंच। अच्छा, 10 रुपये की है, आपको ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे ये अच्छा अच्छा, ये देखिए रिपीट लगाने वाली ना, ये देखिए ये मशीन मिल जाएगी रिपीट लगाने वाली। क्या प्राइस होने वाला इसका? 600 रुपये का है, ठीक है। ये आपको 600 रुपये में मिल रहा है, रिपीट लगाने की मशीन है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये ड्रिल मशीन मिलेगा भाई, ये पुराना ड्रिल मशीन है, देखिए आपको मिलने वाला है यहाँ पे। अच्छा, क्या प्राइस होने वाला है ये? 1200 रुपये का ड्रिल मशीन मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आपको चालू हालत में है ना, ये चालू मिलेगी आपको, ये भैया आपको चालू करके देंगे। ये ड्रिल मशीन मिल रहा है आपको 1200 रुपये में। अच्छा, ये सब नट, अच्छा ये देखिए कितना बड़ा है भाई रेंज के, कितने का पड़ेगा ये? 250 रुपये का मिलेगा भैया दोस्तों, ठीक है। ये देखिए आपको ये चूड़ी बनाने का है, ठीक है। ये चूड़ी बनाते हैं, ये आपको मिलने वाला है ऑटोमेटिक। कितने का ये? हाँ, अच्छा 300 रुपये किलो पड़ेगा, ये 3000-4000 का मिलेगा भैया, ठीक है। चूड़ी बनाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए ये चूड़ी बनाया जाता है भैया इसे आपको, ठीक है। ये आपको 300 रुपये किलो है ना, 300 रुपये किलो मिलने वाला है, ठीक है। कम से कम ये 3-4 किलो का, अरे 3-4 किलो का पड़ेगा ये, 5 किलो से ऊपर पड़ेगा ये आपको, ठीक है। ये 300 रुपये किलो मिलने वाला है मीना बाज़ार मार्केट में भैया के पास। ये अच्छा पाइप की डाई है भैया, देख रहे हैं, ये पाइप की डाई मिलेगी, ठीक है। अच्छा, कितने का ये? ये 500 रुपये का पीस पड़ेगा, ये पाइप की डाई होती है, हाँ पाइप बनाने वाली, हाँ ठीक है। ये वाला कितने का ये? ये 800 रुपये का पड़ेगा ये तो। अच्छा, ये जो मशीन उसीन ठीक करते हैं कुकर वो रखते हैं ना, ये हाँ हाँ बांधते हैं, हाँ वही है आपको ये मिलेगा आपको, हाँ। ये देखिए ये सारे के सारे बड़े बड़े रखे हैं ऊपर से नीचे तक। कितने का पड़ेगा ये छोटा वाला? ये छोटा वाला आपको 800 का पड़ेगा, और वो बड़ा वाला वो ये 2500 रुपये का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और भी चीज़ें हम पता करते हैं। ये 300 रुपये का आपको रिंच मिलने वाला है बड़ा वाला भैया, ये 46 नंबर आपको रिंच आपको 300 रुपये में मिलेगा, ठीक है। और ये वाला, ये तो इसमें पीछे पाना वाला भी है ना, ये हाँ पाना और चाबी दोनों। ये कितने का पड़ेगा? ये 150 रुपये का पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आइए, ये 50 रुपये का मिलेगा, ठीक है। ये पेचकस है, ये वाला पेचकस ये 10 रुपीज़ का मिलेगा आपको। पिलास ये कितने का दे रहे हैं? ये 50 रुपये का है, ये 80 रुपये है। ये कौन सी कंपनी का है? हाँ कैप्टन के नाम से आप, ठीक है। अच्छा, टपारिया वाला भी है ना, होता है ना, हाँ टपारिया। कितने का टपारिया वाला, कितने का होगा? 220 रुपये का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए ये बड़ा वाला रिंच आपको मिलेगा, ये वाला कितने का? 150 रुपये का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला और ये वाला कितने का है? ये पिला 60 रुपये, ये 60 रुपये। इससे क्या काम आता है ये? अच्छा, तार काटते हैं भैया आपको, इसे लोहे की तार इसे काटा जाता है। ये कितने का बताया? ये 80 रुपये का बताया, ठीक है। लोहे का तार काटा जाता है भाई, 80 रुपये का मिलेगा, ठीक है। और ये वाला कितने का ये? हाँ, ये 30 रुपये का बॉक्स है। अच्छा, 30 रुपये का आपको पड़ेगा ये पाए। और इतने का है ना लोहे में वो छेद ओद किया जाता है, ये बिट है लोहे वाला भैया आपको मिलने वाला। ये कितने का होगा ये? 150 रुपये का, ये 150 रुपये का होगा ये भाई, भारी है ये, 150 रुपये में मिलने वाला है। अच्छा, सरिया की डाई काटने के लिए है भैया ये कितने का ये?
ये 150 रुपए का है। ये सरिया का डाई काटते हैं भैया, इससे आपको मिलने वाला है 50 रुपए का। पाइप रिंच कितने का ये? ये बड़ा 700 रुपए। ये 700 रुपए का पाइप रिंच मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, और ऊपर वाला ये क्या, ये लोहे वाला क्या चीज़ है ये? कौन सी, लाल वाली? नहीं, उसके बगल वाला। हाँ ये हाथ है। हाँ ये मार्किंग ब्लॉक है, मैग्नेट वाला। अच्छा मैग्नेट वाला मार्किंग ब्लॉक है। कितने का पड़ेगा ये? ये 500 रुपए का है। ये 500 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, और ये कटर कितने का पड़ रहे हैं ये सारे? ये हाँ ये 200 रुपए का है। ये 200 रुपए का एक पड़ेगा। 70 रुपए का, 70 रुपए का। ठीक है, हाँ ये पत्थर काटने का कटर है। कितने? ये 300 रुपए का है। ठीक है, नया ना? नया। ठीक है, और भी चीजें हैं। और वो लाल वाला क्या चीज़ है? ये पत्ती लगाने की वो है। अच्छा पत्ती लगाने की, पत्ती लगाने का जंबूर है। हाँ तो कितने का पड़ेगा ये? 200 रुपए। ये 200 रुपए का पड़ेगा। तो दोस्तों ये सामान आपको यहाँ पे मिले। ये भैया सीट कटर मिलने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ उसका काटने के लिए है। कितने का पड़ेगा ये? ये वाला, ये 150 रुपए का एक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और ये तो छोटी वाली डाई है ना? ये 50 रुपए की छोटी वाली डाई मिलने वाली है। ठीक है, और यार ये क्या चीज़ है? अच्छा चेन पुलर है ये भैया, चेन पुलर। कितने का मिलेगा ये? 120 रुपए का चेन पुलर मिलने वाला है भैया। ठीक है, 120 रुपए का है। ये हथौड़ी कितने की है? ये 150 रुपए की आपको हथौड़ी मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे ऐसे। और ये पाना है, ये वाला पाना कितने का? ये 60 रुपए का पाना मिलने वाला है। यहाँ कार का है ना? हाँ कार का पाना है भैया। और ये देखिए ये क्या चीज़ है? क्या अच्छा डाई है? अच्छा चूड़ी काटने। हाँ अच्छा 200 रुपए का पीस मिलेगा भैया। ठीक है, और ये क्या चीज़ है? अच्छा सुराख करने वाला। ठीक है, जमीन के अंदर सुराख करने वाला। ये कितने का पड़ेगा? ये 300 रुपए का पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और ये छोटी हथौड़ी है, ये कितने? ये 60 रुपए का मिलने वाला, ये लकड़ी का बट्टा वाला। और ये बड़ा वाला हथौड़ा है 500 रुपए का आपको बड़ा वाला मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये सामान आपको यहाँ पर मिलना। और ये बड़ा वाला कितने का? ये हाँ ये 800 रुपए का। ठीक, अच्छा इससे क्या काटते हैं? इससे अच्छा लकड़ी काटते हैं, बड़े बड़ी जो लकड़ियाँ होती है। ठीक है, और वो जो आरी क्या बोलते हैं उसको? हाँ लकड़ी छीलने के लिए। ये कितने का? ये 800 रुपए का है। अच्छा ये 800 रुपए का है, 18 इंची का है, 800 रुपए का, लकड़ी छीलने वाला भैया। ठीक है, तो दोस्तों ये सामान आपको यहाँ पे, ये भैया हैं, हमें सातों दिन लगता है ना आपका, तो ये सातों दिन लगता है भैया के पास यहाँ पे मीना बाज़ार टूल्स मार्केट में लगती है इनकी मार्केट सातों के सातों दिन। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इनसे ज़रूर परचेजिंग करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और देखते क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम दोस्तों।